हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त पैकिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अब मैं आपको टॉफी और लॉलीपॉप अवेलेबल करा देता हूँ। आप लोगों ने टॉफी और लॉलीपॉप के लिए इतनी रिक्वायरमेंट दिखाई है कि मैं अब वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ। वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा है, इतनी कॉलें आती है, इतना सारा काम हो जाता है कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों अब मैंने सोचा कि मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो जरूर बनाया करूंगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, पर अब आपको रेगुलर वीडियो आएंगी। बहुत सारे बंदे मेरे को कॉल करके बोल रहे थे कि सर वीडियो तो कम से कम रेगुलर डालिए। तो दोस्तों इस चीज की आप टेंशन ना लीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अगर उस तरीके से आप पैक करते हो तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों अब आप लोगों को पता है कि मैं आपको टॉफी और लॉलीपॉप अवेलेबल करा देता हूँ। आपको हमारे पास से टॉफी मिल जाएगी, लॉलीपॉप मिल जाएगी, ल्यूज चाहिए ल्यूज मिल जाएगी, जार के अंदर चाहिए जार के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों ये देखिए, जैसे ये है इलायची फ्लेवर, ठीक है, ये इलायची की जो टॉफी है ये आपको 90 रुपए किलो मिलेगी, 90 रुपए किलो, ठीक है। इसमें 250 प्लस पीस चढ़ते हैं, 250 तो चढ़ेंगे, इससे ज्यादा भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे 250 से 270 पीस होते हैं, कम से कम 250 होते हैं, तो आप 250 मान के चलिए। आपको क्या करना है, इस जार के अंदर 250 पीस ही पैक करने हैं। हम क्या कर रहे थे, हम आपको 90 रुपए में ये जार दे रहे थे जिसमें हम 200 पीस दे रहे थे, ठीक है। अब आप बहुत सारे बंदों की रिक्वायरमेंट आई कि सर हमें पूरा 1 किलो वजन इसके अंदर चाहिए, तो उसका हमें रेट दीजिए। तो दोस्तों हमने क्या करा, इसके अंदर 250 पीस डाले। मैं आपको कॉस्टिंग समझाता हूँ। जैसे आप हमारे पास से लेके भी जाते हो या आपको बना बनाया हमारे पास से चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। आप अगर हमारे पास से लूज माल लेके जाते हो, आपको पैक करना है, तो कैसे, इसमें अपने 250 पीस अगर आप डालते हो तो 90 रुपए के तो आपके 20 पीस हो गए, ठीक है। जो ये आपका जार है ये 15 रुपए का आपका जार हो गया, 90 और 15 105 रुपए जो आप इसमें स्टिकर लगाओगे। दोस्तों आपको हमारे पास से स्टिकर भी मिल जाएगा, जैसी टॉफी है वैसा ही स्टिकर आपको मिल जाएगा। आप इसमें स्टिकर लगाओगे, स्टिकर लगाने के बाद और जो लेबर चार्ज है उसकी टोटल कॉस्ट 3 रुपए हो गई। तो दोस्तों 105 रुपए हो, 3 रुपए हो, 108 रुपए में आपका ये जार रेडी हो जाता है 250 पीस का। 108 ही छोड़िए, 110 मानिए, 110 रुपए में आपका रेडी हो जाता है 250 पीस का। इसके अंदर माल है। अगर आप इसे ऐसे के ऐसे मार्केट में बेचते हो, जब आप इसे 170 180 तक बड़े आराम से बेच सकते हो, 170 80 छोड़िए, अगर 150 तक भी आप बेच देते हो, मान लो 10 रुपए किराया आपका लग जाता है इसको मंगाने में, या जो आप टॉफी मंगवाते हो उसमें 10 रुपए आपका किराया लग जाता है मैक्सिमम, तो आपको 120 रुपए का पड़ा है। 120 रुपए का लेके अगर आप 250 का भी बेच देते हो ना, तो दोस्तों आप एक पेटी पे, एक जार पे आप 30 रुपए कमाओगे और एक पेटी पे 900 रुपए कमाओगे। दोस्तों एक पेटी पे 900 रुपए सोच के देखिए, अगर आप डेली एक पेटी सेल करते हो तो 27,000 रुपए महीना कमा लोगे। ये दोस्तों बहुत अच्छे तरीके हैं, आप इन चीजों में ज्यादा घुसते नहीं हो। आप सोचते हैं यार मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, इस रेट में वहां मिल रहा है, इस रेट में वहां मिल रहा है। दोस्तों इन चीजों में मत पढ़ो, इन चीजों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हर चीज देखो आपको मिलने को, मैं ये नहीं कहता सस्ती नहीं मिलेगी, सस्ती हर जगह से मिल जाएगी, पर हर चीज की रेट अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। पीस जैसे इसमें 250 पीस चढ़ रहे हैं, किसी में ज्यादा चढ़ेंगे तो उसका दाना ही तो छोटा होगा ना, जो दाना होता है, ये जो आपको दाना मिलेगा ये 3.9 ग्राम का मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर उसको आप दाने को छोटा कर दोगे तो बच्चे को मिलेगा क्या खाने के लिए, अगर आप उसके पीसेज बढ़ा दोगे तो फायदा क्या होगा, आप तो अपना फायदा देख रहे हो ना, दूसरे का भी तो देखो ना, बच्चा जो खा रहा है उसको क्या मिल रहा है। तो दोस्तों यही सारी चीजें होती है। अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करोगे तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा लोगे। मैं आपको 250 वाला माल 150 में बेचने के लिए कह रहा हूं, 250 वाला माल 150 रुपए में 30 रुपए फिर भी आप कमा लोगे और 900 रुपए पेटी कमा लोगे। दोस्तों एक पेटी सेल करने पर 27,000 रुपए महीना कमाओगे, और अगर सोचिए 2 पेटी रोज की सेल कर लेते हो तो 54,000 50,000 रुपए और किस बिजनेस में आप कमा लोगे या किस नौकरी से आप कमा लोगे। मैं आपको ये नहीं कहता नौकरी छोड़िए, नौकरी कभी मत छोड़ना। अगर आप किसी की, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी को बिल्कुल मत छोड़ना।
आपको सिर्फ अगर करना है तो पार्ट टाइम में कीजिए, पहले पार्ट टाइम में करके देखिए आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। देखो ये चीजें हर किसी के बस की नहीं होता है, हर कोई मार्केट में नहीं जा सकता है, बिजनेस हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है कि हर कोई सोचे कि मैं बिजनेस कर लूं, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले पार्ट टाइम में कीजिए, ये नहीं कि फुल टाइम में नौकरी छोड़ी और अपने लग गए, फिर दोस्तों आप जिंदगी में मार खा जाओगे और कुछ नहीं करोगे। मैं तो आपको सिर्फ यही कहता हूं दोस्तों, अगर बिजनेस करना है तो एक तरीके से कीजिए, ढंग से कीजिए और सोच समझ कर कीजिए। अगर आपको हमसे माल चाहिए, पेटी चाहिए, तो आपको कम से कम 5 पेटी लेनी पड़ेगी। अगर आपको लूज माल चाहिए तो कम से कम 100 किलो माल लेना पड़ेगा। आपको हमारे पास से लॉलीपॉप, अब आने वाले टाइम में जेली वगैरह भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लाइक तो बिल्कुल करते ही नहीं हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।